द नेक्स्ट रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टेंजेंट्स, और कैन से द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। हम अपने फिगर में देख सकते हैं कौन से वाले एंगल की बात कर रहे हैं, यानी एंगल पी टी क्यू, यानी दिस एंगल ऑलवेज डबल द एंगल ओ पी क्यू, दिस एंगल। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन है हमें सर्कल जिसका सेंटर हमने ओ लेट किया, जैसे पहले किया था। एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास टी है, जहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं ऑन द सर्कल। द टेंजेंट्स आर टी क्यू एंड पी टी, और कैन से टी क्यू एंड टी पी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ऑफ ओ पी क्यू। फर्स्टली इन द ट्रायंगल क्यू टी पी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो एंगल हो जाएगा हमारे पास पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? इट मीन्स हमें पता है एंगल हमने लेट किया है, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो पी टी क्यू को क्या पुट कर देते हैं, एक्स, तो एंगल हो जाएगा टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस एक्स। इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देन अब देखो, हमने थ्योरम में अभी पढ़ा था कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ, यानी कि हमारे पास जो टेंजेंट हैं टी क्यू वो किसके इक्वल हैं, टी पी के। तो अब ध्यान से देखें, अगर हम ट्रेंगल टी पी क्यू में, दिस इज द आइसोसेलेस ट्रेंगल, इसके दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। और हम यहाँ पे नाइन्थ क्लास का रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इट मीन्स एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, यानी कि हमारे पास क्या हुआ है, एंगल टी क्यू पी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू। ठीक है, बट इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 180 माइनस एक्स, इट मीन्स 90 माइनस एक्स बाई टू। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। क्लियर है बात? अब देखो, हमें बात करनी थी एंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्या हो जाएगा, उससे पहले देखो ओ पी जो हमारे पास है, ओ पी परपेंडिकुलर है किस पर, पी टी पर। इट मीन्स एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी टी क्यू। ठीक है, और टी पी क्यू बोथ आर, यानी कि दिस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू नहीं, सॉरी,